आत्मा बोलता है और बनेंगे, कुछ न कुछ तो होगा ही। खेल बड़ा खेल हो चुका है, छोटा खेल चुपके से हो जाएगा। बड़ा खेल हो चुका है, छोटा खेल तो चुपके से हो ही जाएगा। और संयोग से दिल में बसे हुए हैं, दिल्ली में सटे हुए हैं। दिल्ली जाएंगे, दिल के बाद बतियाएंगे। बिहार में इनको मुख्यमंत्री बन गए और बिहार को संभाल लिए, नहीं तो हमारा बिहार कहाँ जा रहा था। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। दिल्ली से लेकर बिहार तक नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा तेज हो गई। एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है और सबकी निगाहें टिकी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। आज हम बात करेंगे उन कयासों और चर्चाओं की जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से हो रही हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए और इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही नई सरकार के गठन को लेकर हर तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं हुई नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर। पटना के लोगों का इस विषय पर मिला जुला विचार सामने आ रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार देश के डिप्टी सीएम बने और नरेंद्र मोदी पीएम बने रहें। वहीं कुछ लोग इस बात से चिंतित हैं कि अगर नीतीश कुमार बिहार से गए तो बिहार की स्थिति बर्बाद हो जाएगी। तो चलिए आखिर जानते हैं कि बिहार की जनता क्या चाहती है। आत्मा बोलता है और बनेंगे, कुछ न कुछ तो होगा ही। खेल बड़ा खेल हो चुका है, छोटा खेल चुपके से हो जाएगा। बड़ा खेल हो चुका है, छोटा खेल तो चुपके से हो ही जाएगा। और संयोग से दिल में बसे हुए हैं, दिल्ली में सटे हुए हैं। दिल्ली जाएंगे, दिल के बाद बतियाएंगे। और सुना कि एक ही गाड़ी पर, एक ही हवाई जहाज पर दोनों गए, तो क्या गुप्तगु अभी तक नहीं हुआ होगा? गुप्तगु हो गया होगा प्राइवेट में, तुम ऐसे चलना, हम ऐसे चलना। अंकल तो कभी नीतीश जी कभी करते हैं कि हम लोग रास्ते अलग है, पर उनकी बात हमारे दिल में, हमारी बात उनके दिल में है। काम चलता रहेगा, वो आएंगे और काम हो जाएंगे। नीतीश कुमार जो हैं, वो ही इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बिहार। उनके जैसा आदमी इस प्रदेश को बचा लिया, नहीं तो ये प्रदेश कहाँ था इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता हम लोग कहाँ जा रहे थे। तो वरदान मिला कि नीतीश कुमार के रूप में, जो कि बिहार में इनको मुख्यमंत्री बन गए और बिहार को संभाल लिए, नहीं तो हमारा बिहार कहाँ जा रहा था। और अभी भी चुनाव में देखिए, भाजपा के साथ ही मिलके चुनाव लड़े, उन्हीं का सबसे अच्छा योगदान रहेगा। तो वो बिहार से अगर हटेंगे तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। बिहार में वो रहें, उनका जो बहुत लोग जो जीत के गया है, उनको कोई मंत्रिमंडल मिलेगा तो उनका सौभाग्य, प्रधानमंत्री बने। एक बिहारी होने के नाते तो मेरी इच्छा यही है। हमारे समझ से तो लग रहा है कि यहाँ के लिए ही वो नियुक्त रहे। नीतीश जी की तो जैसा देखने में लग रहा है, उनके सीट को देखते हुए लग रहा है पार्टी में थोड़ी सी मजबूती आई है, लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनना सही है, क्योंकि उनके कार्यकाल में कुछ कुछ मैंने देखा, बहुत सारा चीज़ विधि व्यवस्था जो देश में विकास हुआ है वो लोगों को भी नज़र आ रहा, तो एक बार मुझे लग रहा है कि उनको ही मौका मिलना चाहिए। देखिए, समीकरण जैसा बन रहा है उसके हिसाब से तो नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनना चाहिए। अब बाकी अब देखिए क्या होता है, राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।